आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। दिल्ली में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मॉनसून के दस्तक देते ही दिल्ली में हर जगह सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा है। दिल्ली की सड़कों का हाल ऐसा है कि दिल्ली की सड़कें आज के वक्त में नदी और तालाब जैसी हो गई है, जहां पर घुटने भर पानी लगता हुआ नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब घरों में भी पानी घुसने लगा है। बहुत ज़्यादा बारिश अभी दिल्ली में हुई भी नहीं है, क्योंकि बारिश की होने की इस वक्त जो है सिर्फ शुरुआत हुई है और दिल्ली का हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो कि थोड़ी निचली ज़मीन पर रहते हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस गया है। आलम ऐसा है कि कई जगहों पर रोड के हालात इतने ख़राब है कि वहाँ की ज़मीन धस जाने से कई गाड़ियाँ भी ज़मीन के अंदर समाती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इन सभी परेशानी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल ने भी इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने दिल्ली में जो खराब ड्रेनेज सिस्टम है इसको लेकर चर्चा की। और उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ये विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से पानी नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का जो मीटू ब्रिज है वो इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर इस बार पानी नहीं लगा है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि इसको देखते हुए अब हम एक प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत 147 पॉइंट पे हर जगह जो है मीटू ब्रिज जैसा ही प्लान बनाया जाएगा, ताकि दिल्ली की सड़कों पर पानी ना जमे और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे में इन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया अपने ऑफिशियल अकाउंट पर, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमने आज समीक्षा बैठक की है और हमने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात की है। उन्होंने MCD, PWD और DJB के साथ भी उन्होंने बैठक की, और इस समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अब नालों की भी नियमित सफाई की जाएगी, ताकि नाले का जो हालात है इस वक्त जो कि बहुत ही ख़राब है, क्योंकि पानी उससे भी बाहर आ रहे हैं और लोगों को काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसकी भी साफ़ सफाई की जाएगी और इसको भी ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जो कि राजधानी है देश की, इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको विश्व स्तरीय डिज़ाइन से हम लोग लैश करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि दिल्ली में पानी कहीं पे भी ना जमा हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो मीटू ब्रिज है जब वो भर जाता है तो हम मानते हैं कि बारिश जो है शुरू हो चुकी है, मॉनसून का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इंजीनियर ने इतना बेहतर काम किया है कि मीटू ब्रिज इस बार नहीं भरा है, जिसे देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि इस वक्त जो है मीटू ब्रिज काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और दिल्लीवासी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो ट्वीट करते ही लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिला, जिस पर लोग जो है इस बात को कि वो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में इसको लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आए। लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वीडियोस ही डाल दिए अपने अपने इलाके के, जहां पर बारिश के वजह से बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है। साथ ही लोगों ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल है उन पर भी निशाना साधते हुए बहुत सारी टिप्पणियाँ की। तो क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए नज़र डालते हैं उनके किए हुए कमेंट्स पे और उनके शेयर किए हुए वीडियोस पर। We'll be right back.
ये दयालसा रोड है जी, पिछले 35 साल से यही समस्या चली आ रही है। ये 10 जुलाई 2021 को ये रोड बनाया गया है और देखिए हाल, इस बार कहा गया था 1 फुट ऊंचा रोड बनाया जा रहा है और पानी एक बूंद नहीं रुकेगा, और एक बारिश का हाल देख लीजिए क्या ये हाल है और ये कितने दिन चलेगा रोड। रोड 4 इंच का रोड बना दिया गया और कहा जी 1 फुट ऊंचा उठाया जाएगा, ये देखो हाल, ये देखिए हाल, ये दयालसा रोड है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से यूजर्स ने अपने अपने जगहों के जो इस वक्त बारिश की वजह से हालात है उसके वीडियो अपलोड किए, आपने साफ तौर पर वीडियो पे देखा होगा कि दिल्ली के कई घरों में पानी घुस आया है, तो वहीं रास्तों में ऐसे हालात हो गए हैं कि बारिश की वजह से कई कई रास्ते धंस गए हैं और पूरी जो एक गाड़ी है वो आधी जो है ज़मीन के अंदर समा गई है। तो वहीं आपने देखा कि एक व्यक्ति वीडियो में साफ तौर पर कहता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये जो रास्ता है उत्तम नगर का एक एरिया दिखाते हुए कह रहा है कि ये रास्ता 2021 में ही बनाया गया था और ऐसे में जो सरकार ने जब इस रास्ते को बनाया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी जो है घुटने भर पानी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई यूजर्स ने जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कि सरकार क्या अब तक सो रही थी, सरकार को ये नहीं मालूम था कि बारिश भी एक चीज़ है जो कि होने वाली है। इसके साथ ही एक और यूज़र ने कमेंट किया कि सरकार अब जगी है, बारिश हो रही है उनको अब पता चला है तो अब वो नई नई घोषणा करने लगे हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, कल उन्हें पता चलेगा कि धूप निकल गई है तो कल वो सोलर पैनल लगाने की भी बात कह सकते हैं। एक यूजर ने अपना मत रखते हुए कहा कि दिल्ली का बुरा हाल थैंक यू केजरीवाल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को आप लंदन मत बनाइए लेकिन दिल्ली को दिल्ली ही बना दीजिए तो काफ़ी है। तो वहीं एक और यूज़र है, उसने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ऐसी सड़क जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि विश्व स्तरीय आप ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे और पानी नहीं जमेगी, तो ऐसी सड़क बनाने के लिए आपको 10 बार और सरकार बनाने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली के इस वक्त जैसे हालात है तो वैसे में सरकार जिस तरीके से बातें कह रही है कि लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लोग जो है मीटू ब्रिज की चर्चा करें तो वहीं लोग जो है कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं सरकार के काम से। लोगों का कहना है कि जो पानी भर रही है, सरकार इतने दिन से सो रही थी, जब सरकार को काम करने का वक्त था तो सरकार ने काम नहीं किया, अब जब पानी लगने लगी है तो सरकार को अचानक से याद आया है कि सरकार को सड़कें बनानी है, सरकार को ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है। तो ऐसे में ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि केजरीवाल सरकार जिस ड्रेनेज सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाने की बात कर रही है उसका काम कब शुरू होता है और कब तक उस तरीके का वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाता है। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।